स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं इस फोन का। ये है वन प्लस सेवन। इस फोन को मैं ऑलमोस्ट एक साल से एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ। इस फोन को मैंने परचेस किया था 30 जुलाई 2019 को। ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है इस फोन को और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अभी भी ये स्मार्टफोन रेलेवेंट है या नहीं, क्योंकि इस वक्त वन प्लस की तरफ से हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिले हैं। वन प्लस 7T, वन प्लस 7T प्रो, वन प्लस 8 एंड वन प्लस 8 प्रो, और अभी माना जा रहा है कि वन प्लस एक और स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, वन प्लस जॉर्ड या फिर वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस जी, पता नहीं क्या नाम होने वाला है उस फोन का। बट हाँ, एक और फोन जल्द लॉन्च होगा वन प्लस की तरफ से। तो काफी सारे नए स्मार्टफोन्स हैं इस वक्त वन प्लस के पास। तो क्या वन प्लस 7 आज की डेट में यानी कि 2020 में रेलेवेंट है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरह काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो वन प्लस 7 इस वक्त यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस वक्त आपको इमीडिएटली एक नए फोन पर अपग्रेड करने की जरूरत है या फिर अभी कुछ समय के लिए आप वन प्लस 7 को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। और अगर आप वन प्लस 7 के यूजर हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में काफी मजा आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जब मैंने इस फोन को परचेस किया था तब HDFC कार्ड का एक ऑफर मिला था मुझे, कैशबैक ऑफर, जिसके बाद इस फोन की जो प्राइसिंग थी वो हो गई थी 31,500 रुपए। ये फोन 33,000 रुपए की कीमत में अवेलेबल था, लेकिन मैंने इस फोन को 31,500 रुपीज में खरीदा था बिकॉज ऑफ दी HDFC कार्ड डिस्काउंट। अब यहां पे आपको जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन का। इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ब्लू कलर का, ये सिर्फ एक वेरिएंट में आता था, एक रैम और स्टोरेज वेरिएंट में, 6GB की रैम और 128GB की UFS 3.0 स्टोरेज, 6GB की LPDDR4X रैम है इस फोन में। और यहां पे आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX 586 सेंसर है। फ्रंट साइड में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस फोन के फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। अगर मैं बात करूं बैटरी की तो इस फोन में 3700 mAh की बैटरी है और 20 वॉट का डैश चार्जर मिला था मुझे इन द बॉक्स विद द वन प्लस 8। तो ये थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस। और चलिए अब बात करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में और बताते हैं आपको कि कैसा रहा है मेरे लिए वन प्लस 7। सबसे पहले दोस्तों, डिजाइन की बात करूं तो यहां इस फोन का डिजाइन मुझे आज भी बहुत पसंद है। इस फोन में आपको ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है। ज्यादा वेट नहीं है इस फोन का, सिर्फ 182 ग्राम्स है। सिंगल हैंडेड यूसेज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्लैट डिस्प्ले के साथ कर्व डिजाइन है, इसलिए इस फोन की ग्रिप भी बहुत अच्छी है। और ये फोन पतला है इसलिए मुझे इस फोन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बैक साइड में स्मजेस काफी आसानी से आ जाते हैं। फ्रंट साइड में जो इस फोन की चिन है उसका साइज भी ज्यादा नहीं है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, टाइप सी पोर्ट है, वन प्लस का प्रोप्राइटरी अलर्ट स्लाइडर है एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो हेडफोन जैक। स्पीकर आउटपुट आज भी बहुत बढ़िया है इस फोन पर। ऑडियो एक्सपीरियंस भी बढ़िया है इस फोन पर, क्योंकि आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो यहां बहुत अच्छी क्वालिटी का एमोलेड पैनल है इस फोन पर। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है इसलिए काफी शार्प और क्रिस्प क्वालिटी में आप कंटेंट देख पाएंगे। कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं आपको और इस फोन पर आपको HDR सपोर्ट भी मिलता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। नेटफ्लिक्स पर HDR क्वालिटी में मैं स्ट्रीम कर पाता हूँ बहुत सारा कंटेंट और बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है मुझे इस फोन पर। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस डिवाइस एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगी। ऑन पेपर इस डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 443 निट्स है, विच इज एम्पल फॉर यूजिंग इट आउटडोर्स विदाउट एनी इश्यूज। अब दोस्तों, कैमरा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बैटरी लाइफ के बारे में बता देता हूँ। ये फोन एक घंटे में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। एक घंटा 5 मिनट, एक घंटा 10 मिनट कभी कभी लग जाता है, बट ऑन एवरेज ये फोन एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है फ्रॉम 0 to 100%। और 10 मिनट में ये फोन 15 से 20% के बीच चार्ज हो जाता है। बैटरी लाइफ से मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। अगर आप इस फोन पर ज्यादा गेमिंग करेंगे तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल यूज पर मुझे आराम से ऑलमोस्ट एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। वन प्लस 7 में आपको सोनी IMX 586 सेंसर वाला लेंस मिलता है विद 48MP रेजोल्यूशन। पिछले एक साल में कई सारे अपडेट्स आए हैं इस फोन में, जिसकी वजह से कैमरा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली इन लो लाइट। अब लो लाइट इमेजेस में एक्सपोजर बेटर हो गया है और नॉइज भी कम हो गई है, एंड ऑनेस्टली अब नाइट मोड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती।
आज की डेट में आपको इम्प्रेसिव लो लाइट इमेजेस मिलेंगी विद द वन प्लस सेवन एंड सेम इज द केस विद डे लाइट इमेजेस. मोस्टली आपको ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलेंगे. कभी कभी शेडो डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होने के कारण आप बिना किसी टेंशन के उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो. हाँ, कभी कभी मुझे फोकसिंग में इशू आता है, बट इट इज़ नॉट बॉदरिंग मी टू मच, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार मुझे एक अच्छी फोटो मिलती है इस फोन से. और दोस्तों, फाइनली परफॉर्मेंस की बात करें तो रेगुलर यूसेज के दौरान मोस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. एज यूजुअल ऑक्सीजन ओएस पर आपको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस मिलता है. अपडेट्स भी ऑलमोस्ट टाइम पर आती हैं. फिलहाल ये फोन मई 2020 के सिक्योरिटी पैच पर चल रहा है. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये फोन फ्रीज हो जाए, लेकिन उसके बाद ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है. एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो इनफैक्ट अभी तक सॉल्व नहीं हुई है. When I am charging this phone and using it simultaneously, यानी चार्ज करते वक्त अगर मैं इस फ़ोन को यूज़ भी कर रहा हूँ साथ के साथ, तब मुझे इस फ़ोन पर थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, especially when I am typing something. अब यार, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो you know that I am a noob when it comes to playing PUBG, लेकिन यहाँ ज़रूर बता सकता हूँ कि इस फ़ोन पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत कमाल का मिलेगा. इवन एट 6GB रैम आप किसी भी तरह के लैग्स फेस नहीं करेंगे. हाँ, ये ज़रूर है कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस के बाद ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है. फॉर example, गेम विद मिस्टर फोन के फर्स्ट एपिसोड में हमने एक कैप्चर कार्ड से इस फ़ोन को कनेक्ट किया था और 45 मिनट्स के पबजी गेम प्ले के बाद ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ था. तो दोस्तों, ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इस वक्त अगर आप एक नया वन प्लस स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो आपको वन प्लस 8 सीरीज पर पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है. आप काफ़ी पैसे सेव करके वन प्लस 7T के साथ जा सकते हैं. थोड़ा सा पुराना हो गया ये फोन, बट स्टिल इट इज वेरी रेलेवेंट एंड एज एन अपग्रेड बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये. अगर आप वन प्लस का एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, गो विद वन प्लस 7T. वन प्लस 7 के कंपैरिजन में वन प्लस 7T में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 30 वॉट का चार्जर मिलेगा इंस्टेड ऑफ 20 वॉट्स, थोड़ी सी बैटरी लाइफ एक्स्ट्रा है, 3800 mAh है, जबकि वन प्लस 7 में आपको 3700 mAh की बैटरी मिलती है. एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर अपग्रेडिंग टू 7T इज द ट्रिपल कैमरा सेटअप. बहुत ही बढ़िया ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है. आई एम श्योर जो लोग इस वक्त वन प्लस 7T यूज करते हैं, दे कैन वाउच फॉर इट. कॉमेंट्स में मुझे आप जरूर बताइए कि वन प्लस 7T के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है. और जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम वन प्लस 7, आपको डेफिनेटली वन प्लस 7T कंसिडर करना चाहिए. वन प्लस 8 सीरीज अगर आप नहीं भी परचेस करेंगे और वन प्लस 7T परचेस कर लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा. यू विल स्टिल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अभी अपग्रेड नहीं करूंगा. मुझे लगता है कि अभी कम से कम 6 महीने तक ये फोन और चल सकता है, और अगर मुझे अपग्रेड करना भी होगा तो देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि आजकल तो यार 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में ही बहुत कमाल के स्मार्टफोन्स आने लगे हैं. बढ़िया बैटरी लाइफ है, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्लेज आपको मिल जाते हैं सैमसंग की तरफ से अंडर 20,000 रुपीज, तो ये बहुत अच्छी बात है. खैर, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और किसी और फोन का अगर आप लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं. और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.